अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच किया है। देखिए, इसको हम ओपन कर लेंगे। ऐसे साइड से हम ओपन करेंगे, वेलक्रो से हम थ्री साइड से इसको ओपन कर लेंगे। साइड से हमने ओपन किया और इस साइड से भी हम ओपन कर लेंगे और ये पॉकेट्स हमारी खुल के कुछ ऐसे आएगी। और इस पॉकेट्स को हम इस साइड से, इसको इस साइड से और इस पॉकेट्स को हम इस साइड से ओपन कर लेंगे। सारी पॉकेट्स हमारी ऐसे ओपन हो जाएगी। इसको हम देखिए जिप से ओपन करेंगे पॉकेट्स को। यहाँ पर अपनी इयररिंग्स है, कुछ भी ज्वेलरीज रखते हुए आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और ऐसे ही इस साइड भी पॉकेट्स में अपनी ज्वेलरी को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। देखिए, और इस पॉकेट्स में भी अपनी ज्वेलरी को सेट करके आप रख सकती हैं। ये बैग काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स। अपनी सारी ज्वेलरी को आप एक बॉक्स में सेट करते हुए इसको देखिए ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे सेट करते हुए इस फ्लैप से थ्री साइड से इसको हम यहाँ से ऐसे वेलक्रो से लॉक कर देंगे और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। ये बैग फ्रेंड्स काफ़ी यूजफुल है। अपनी सारी ज्वेलरी को एक बॉक्स में सेट करके कलेक्ट करके आप रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिजाइनर ज्वेलरी बैग बनाने के लिए हमने 8x10 का देखिए 5 क्विल्टेड पीस लिया है। 8x10 का हमें 5 क्विल्टेड पीस लेना है और 8x10 का हमें 5 प्लेन पीस लेना है। देखिए, 5 प्लेन पीस लेना है 8x10 का। और ये हमने 4x8 का एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक प्लेन पीस लिया है। 4x8 का हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और एक प्लेन पीस लेना है 4x8 का। और ये हमने 4x10 का देखिए 2 क्विल्टेड पीस लिया है। 4x10 का हमें 2 क्विल्टेड पीस लेना है और 2 प्लेन पीस लेना है 4x10 का। और ये हमने 4x36 का एक क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए, 4x36 का हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है। और ये हमने 8 इंच की 10 जिप ली है। देखिए, 8 इंच की हमें 10 जिप लेनी है और इसमें जिप में डालने के लिए हमें 10 रनर लेने हैं। ये देखिए, हमने 10 जिप ली है और 10 रनर लिए हैं जिप में डालने के लिए। और ये हमने 2.5x8 की देखिए 6 ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है और सारी ट्रांसपेरेंट पन्नी की दोनों साइड में 1.5 इंच की पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करके हमने इसमें अटैच कर दिया है। तो हमें 2.5x8 की 6 ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है और ये हमने 4x8 की देखिए 4 ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है। 4x8 की हमें 4 ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है और इसमें भी देखिए हमने दोनों साइड से 1.5 इंच की पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो 4x8 की हमें 4 ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है। और ये हमने 8 इंच की एक लेस ली है। देखिए, 8 इंच की हमें एक लेस लेनी है और ये हमने 10 इंच की 2 लेस ली है। देखिए, 10 इंच की हमने 2 लेस ली है और ये हमने 10 इंच के 2 वेलक्रो लिए हैं। देखिए, 10 इंच के हमने 2 वेलक्रो लिए हैं और ये 8 इंच का हमने एक वेलक्रो लिया है। ये 8 इंच का हमें एक वेलक्रो लेना है और ये हमने 12 इंच का एक हैंडल लिया है। देखिए, 12 इंच का हमें हैंडल लेना है और 1.5 इंच की ये हमें पाइपिंग लेनी है। सबसे पहले हम 2.5x8 की 3 ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे और 3 जिप लेंगे 8 इंच की और इसमें से एक जिप लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। और ये देखिए, जिप का सीधा साइड है और इसके ऊपर हम इस ट्रांसपेरेंट पन्नी को ऐसे रखेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही हम दूसरी जिप लेंगे और दूसरी जिप को हम दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे ट्रांसपेरेंट पन्नी के ऊपर और इस साइड भी हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद हम ये दूसरी ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे, उसको हम जिप की दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे। देखिए, ऐसे रखा और इसमें भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। और इसके बाद हम तीसरी जिप लेंगे और तीसरी जिप को हम दूसरी साइड में यहाँ पर ऐसे रखेंगे ट्रांसपेरेंट पन्नी में और इस साइड भी स्टिच करके हम इसमें अटैच कर देंगे। और ये वाली जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है, देखिए, ऐसे हमें सेट करते हुए स्टिच करना है और ये वाली ट्रांसपेरेंट पन्नी दूसरी साइड में जिप के ऐसे रखते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमें
ये पार्ट्स रेडी करना है। तो हम पहली जिप में इसको स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही स्टिच करके हम सारे पार्ट्स को रेडी कर लेंगे। तीनों जिप में हमें देखिए ट्रांसपेरेंट पन्नी को स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है और ऐसे ही हमें 2.5x8 की ये तीन ट्रांसपेरेंट पन्नी और लेनी है और इसमें भी हम देखिए ऐसे ही जिप को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। जैसे इसमें स्टिच की है ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो हम पहले इसको हम जिप के ऊपर रखेंगे और सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे ही पार्ट को हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमने देखिए जिप में अटैच कर दिया है। देखिए 2.5 इंच की ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेते हुए इस पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब सारी जिप में जो 6 जिप हमने अटैच की है सारी जिप में हमें रनर डालना है। तो हम ये 6 रनर लेंगे और जिप में हम रनर डाल लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने जिप में रनर डाल लिया है। फ्रेंड्स जो रनर का डायरेक्शन है वो सारी जिप का देखिए एक साइड में होना चाहिए। और अब हमें 8x10 का ये प्लेन पीस लेना है। दोनों प्लेन पीस लेंगे और एक प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे। प्लेन पीस नीचे की साइड में होगा और ये जिप वाला पार्ट इसके ऊपर हम ऐसे सेट करेंगे और चारों साइड से स्टिच करके इसमें और इसमें भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके हम दोनों पार्ट्स को प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। दोनों ट्रांसपेरेंट पन्नी को हमने देखिए प्लेन पीस में स्टिच करके रेडी कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स इस जिप की पॉकेट हमारी ये है तो हम यहाँ पर स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस जिप की पॉकेट ये है तो इस साइड से स्टिच करके इसको हम लॉक कर देंगे और ऐसे ही हम इसमें भी इस साइड से और इस साइड से दोनों हम पाइपिंग पे स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे पॉकेट को। दोनों ट्रांसपेरेंट पन्नी में हमने देखिए पॉकेट्स को स्टिच करके यहाँ से लॉक कर दिया है। जो पाइपिंग अटैच है पाइपिंग के ऊपर स्टिच करके हमें पॉकेट्स को लॉक करना है। और अब हमें 8x10 का ये 2 quilted piece लेना है और एक quilted piece को लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेंगे। दोनों सीधा साइड देखिए अंदर की साइड में होगा और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और जिस साइड हमने देखिए ऊपर की साइड में जिप अटैच की है ये हमारा देखिए ऊपर की साइड में होगा तो हम ऐसे 3 साइड से स्टिच करते हुए हम इस पॉकेट्स वाले पार्ट को इस क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। तो हम देखिए ये वाला पार्ट जो 8 इंच का है इस साइड वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा और 3 साइड से स्टिच करते हुए हम पॉकेट्स वाले पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में। थ्री साइड से स्टिच करते हुए हमने पॉकेट्स वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है क्विल्टेड पीस में। अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर लिया है। अब जिस साइड से ये ओपन है उस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड जिस साइड से हमने ऊपर की साइड में जिप अटैच की है इस साइड से हमें स्टिच नहीं करना है। हम देखिए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और ऐसे हम ओपन पार्ट को लॉक करते हुए 3 साइड से स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। तो हम देखिए इस साइड से स्टिच करेंगे और इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। साइड से स्टिच करते हुए इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। देखिए ये पार्ट हमारा पॉकेट्स वाला नीटली बन के रेडी हो गया है। और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को लेंगे। इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए 10 की साइड में ये 10 का साइड है और ये 8 का साइड है तो हम 10 की साइड में इसको फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने सेंटर का कट लगा लिया है। और देखिए अब 12 इंच का ये हैंडल लेंगे और हैंडल को हम इस कट पे यहाँ पर ऐसे रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड में जो सेंटर का मार्क लगाया है सेंटर के मार्क पे इसको हम ऐसे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इस साइड से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने देखिए बेल्ट के ऊपर 1.5 इंच पे अंदर की साइड में मार्क किया और ऐसे ही दूसरी साइड में भी बेल्ट के ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइड से भी हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए इस साइड से स्क्वायर शेप में इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इस हैंडल को हम इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में। दोनों साइड से हमने देखिए स्क्वायर शेप में स्टिच करते हुए हैंडल को अटैच कर दिया है। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ये जो जिप वाला पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे इसके ऊपर।
देखिए ये उल्टा साइड है और ये उल्टा साइड है, दोनों ऐसे रॉन्ग साइड एक साइड में करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और चारों साइड से स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को हम इस प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। तो सेट करते हुए हम चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करते हुए हमने देखिए पॉकेट्स वाले पार्ट को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें 4x8 की ये हमें ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है और 8 इंच की ये हमें 4 जिप लेनी है और इसमें से देखिए एक जिप को लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे जिप को और ट्रांसपेरेंट पन्नी को हम जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस साइड से हम दूसरी जिप लेंगे और दूसरी जिप को हम दूसरी साइड में ट्रांसपेरेंट पन्नी के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके बाद हम दूसरी ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे और इसको हम जिप की दूसरी साइड में यहाँ पर रखते हुए इस साइड से और इस साइड से 3 साइड से स्टिच कर लेंगे और जिप में हम ट्रांसपेरेंट पन्नी को स्टिच करके अटैच कर देंगे। जैसे हमने इसको सेट किया है ऐसे ही हमें इसको भी स्टिच करके रेडी करना है। तो हम देखिए सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट पन्नी को हमने देखिए जिप में अटैच कर दिया है, दोनों पार्ट्स देखिए हमने स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब हम रनर लेंगे और सारी जिप में हम रनर डाल लेंगे। सारी जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब हम 8x10 का ये देखिए 2 प्लेन पीस लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर हम ये जिप वाला पार्ट रखेंगे और इसको सेट करते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और जिप वाले पार्ट को हम प्लेन पीस में अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों ट्रांसपेरेंट पन्नी को हमने देखिए प्लेन पीस में स्टिच कर लिया है और अब देखिए हम यहाँ पर सेंटर में स्टिच करके इस पॉकेट को लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस वाले पार्ट में हम यहाँ पर ऐसे स्टिच करते हुए दोनों पॉकेट्स को हम लॉक कर देंगे। दोनों पॉकेट्स को हमने देखिए सेंटर से स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब ये हमारी चारों पॉकेट्स स्टिच हो गई हैं और अब 8x10 का हम ये दोनों क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में होगा और प्लेन पीस इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और पहले वाले पार्ट में हमने 8 इंच की साइड में ओपन रखा था और इस पार्ट में हम 10 की साइड में ओपन रखेंगे। तो हम देखिए 10 की साइड में ओपन रखते हुए यहाँ से ऐसे 3 साइड से स्टिच कर लेंगे और इस पॉकेट को हम इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी हम ऐसे रखेंगे और ऐसे 3 साइड से स्टिच करके अटैच कर देंगे। हमें 10 की साइड में देखिए ओपन रखना है और ऐसे हमें 3 साइड से स्टिच करना है और इसमें अटैच करना है। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने प्लेन पीस को देखिए 3 साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब दोनों कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। कॉर्नर्स में हमने देखिए कट लगा लिया है। अब देखिए जो ओपन है इस साइड से हम दोनों पार्ट्स को पलट के सीधी साइड कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पलट के सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए जिस साइड से हमने ऊपर की साइड में जिप अटैच की है इस साइड से नहीं, हम यहाँ से देखिए स्टिच करेंगे और ऐसे 3 साइड से स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ये जो ओपन पार्ट है इसको भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी हम 3 साइड से स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। थ्री साइड से स्टिच करते हुए हमने इसमें दाब सिलाई दे दी है और ओपन पार्ट को भी हमने स्टिच करके लॉक कर दिया है। ये पार्ट भी देखिए हमारा नीटली बन के रेडी हो गया है और अब हमें 4x10 का ये दोनों क्विल्टेड पीस लेना है, ये प्लेन पीस लेना है और 10 इंच की ये लेस लेनी है। इसमें से हम क्विल्टेड पीस को लेंगे और क्विल्टेड पीस में ये 10 का साइड है तो 10 की साइड में हम इस लेस को देखिए लेंगे, इसमें से एक लेस लेंगे और लेस को हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में देखिए इस पार्ट से 1/2 इंच ऊपर की साइड में ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से स्टिच करके इस लेस को इसमें और ऐसे ही दूसरे क्विल्टेड पीस में 1/2 इंच ऊपर की साइड में ऐसे रखते हुए इसमें भी हम दोनों साइड से स्टिच करके लेस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमें देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड में सेट करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लेस को अटैच कर दिया है। अब हम ये प्लेन पीस लेंगे, ये प्लेन पीस लेंगे और 10 इंच का ये वेलक्रो लेंगे और वेलक्रो को हम देखिए ओपन करेंगे, दोनों वेलक्रो को हम ओपन कर लेंगे। दोनों
वेलक्रो को हमने ओपन कर लिया है। इसमें देखिए जो हमारा एक जैसा वेलक्रो है वो हमें प्लेन पीस में अटैच करना है। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट वाला एक पार्ट होता है और एक थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, तो हम सॉफ्ट वाला पार्ट इसमें अटैच कर देंगे। तो हम एक पार्ट लेंगे वेलक्रो का, दोनों हमें एक ही जैसा पार्ट लेना है वेलक्रो का। और यहाँ पर प्लेन पीस में भी हम ऊपर की साइड में यहाँ पर हाफ इंच देखिए ऐसे सेट करेंगे। जैसे हमने इस लेस को यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की साइड में स्टिच करके अटैच किया है, ऐसे ही हम वेलक्रो को हाफ इंच ऊपर की साइड में करते हुए इस प्लेन पीस में और ये दूसरे वेलक्रो को ऐसे दूसरे प्लेन पीस में स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों प्लेन पीस में हमने देखिए हाफ इंच ऊपर की साइड में सेट करते हुए वेलक्रो को अटैच कर दिया है। अब हम क्विल्टेड पीस लेंगे और जिस साइड हमने लेस स्टिच की है उस साइड ये वेलक्रो वाला पार्ट ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर थ्री साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी देखिए वेलक्रो वाला पार्ट लेस की साइड में होना चाहिए और ऐसे सेट करेंगे और 10 की साइड में हमें ओपन रखना है और थ्री साइड से स्टिच करके दोनों प्लेन पीस को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने प्लेन पीस को देखिए थ्री साइड से स्टिच करते हुए अटैच कर दिया है। अब जो ये कॉर्नर्स हैं दोनों कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। चारों कॉर्नर्स में हमने कट लगा लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इस साइड से इसको पलट के हम सीधी साइड कर लेंगे। दोनों क्विल्टेड पीस को पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और देखिए यहाँ पर दाग सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और जो ओपन पार्ट है इसको भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। और ऐसे ही इस क्विल्टेड पीस में भी हम स्टिच करके दाग सिलाई देते हुए ओपन पार्ट को भी लॉक कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने दाग सिलाई देते हुए स्टिच किया और ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब हमें 4x8 का ये क्विल्टेड पीस लेना है, ये प्लेन पीस लेना है, 8 इंच की ये लेस लेनी है और 8 इंच का हमें ये वेलक्रो लेना है। और इसमें से हम देखिए पहले क्विल्टेड पीस को लेंगे और जैसे हमने इस पार्ट को स्टिच करके रेडी किया है, देखिए ऐसे स्टिच किया है, ऐसे ही हमें इस पार्ट को भी स्टिच करके रेडी करना है। ये 8 का साइड है तो हम 8 की साइड में हाफ इंच ऊपर की साइड में लेस को ऐसे सेट करेंगे और दोनों साइड से स्टिच करके पहले हम लेस को इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस में हमने देखिए हाफ इंच ऊपर की साइड में सेट करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लेस को अटैच कर दिया है। अब हम ये प्लेन पीस लेंगे और वेलक्रो के एक पार्ट को हम इसमें से अलग कर लेंगे। ये हमने अलग किया और जैसे हमने इसमें सॉफ्ट वाला पार्ट लगाया है ऐसे ही इस वाले प्लेन पीस में भी हमें सॉफ्ट वाला पार्ट स्टिच करके अटैच करना है। तो हम इसमें भी हाफ इंच ऊपर की साइड में वेलक्रो को सेट करेंगे और दोनों साइड से सीधे स्टिच करते हुए वेलक्रो को हम इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस में। इस प्लेन पीस में भी हमने देखिए दोनों साइड से स्टिच करके वेलक्रो को इसमें अटैच कर दिया है। अब ऐसे ही देखिए क्विल्टेड पीस को जिस साइड लेस अटैच की है उस साइड ये वेलक्रो वाला पार्ट होगा और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे थ्री साइड से स्टिच करके लॉक करेंगे और इसके बाद फ्रंट साइड में स्टिच करके इसमें दाग सिलाई देते हुए ओपन पार्ट को हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो जैसे हमने इसको स्टिच किया है फ्रेंड्स ऐसे ही इसको हमें स्टिच करके रेडी करना है। इस पार्ट को भी देखिए हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। देखिए जैसे हमने इसको स्टिच किया था ऐसे ही इस पार्ट को भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने हैंडल को अटैच किया था और ये पॉकेट्स को स्टिच किया था। और इसमें से हम देखिए पहले ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम देखिए जिस साइड से ये ऊपर जिप अटैच है उस साइड हमें ये वाला पार्ट ऐसे रखना है। देखिए जो वेलक्रो वाला पार्ट है हमारा जिप की साइड में होगा और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए पहले हम पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है और अब हम इस साइड आएंगे और ये वाला जो पार्ट है इस साइड हम 10 की साइड में इसको देखिए जब हम स्टिच कर लेंगे ये इसमें अटैच हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे रखना है और यहाँ पर सीधे स्टिच करके अटैच करना है। और ऐसे ही दूसरी साइड में 10 की साइड में इस वाले पार्ट को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच करके अटैच करना है। तो हम पहले देखिए पिन को ओपन करेंगे, पहले हम 10 वाले पार्ट को यहाँ पर 10 की साइड में ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे, इसके बाद ये वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, इसके बाद ये वाले पार्ट को हम इस साइड स्टिच करके अटैच कर देंगे। तीनों पार्ट्स को देखिए हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड जो कॉर्नर्स हैं देखिए इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे यहाँ पर देखिए बिल्कुल दोनों को एक साइड में ऐसे दोनों को ऐसे रखते हुए हमें स्टिच करके अटैच करना है।
और ऐसे ही इस साइड अगर आपका पार्ट ये वाला बड़ा हुआ हो तो हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ देंगे, यहाँ पर स्टिच नहीं करेंगे। इसके बाद इस वाले पार्ट को ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए तीनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। अब हम तीनों पार्ट्स को ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे सेट करेंगे। 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ऐसे सेट करेंगे। जिस फैब्रिक से हम सारे पार्ट्स स्टिच करेंगे वही फैब्रिक हमें पाइपिंग के लिए लेना है। तो हम देखिए इस पाइपिंग को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे स्टिच लाइन के ऊपर, और यहाँ पर ऐसे थ्री साइड से स्टिच करके हम पाइपिंग से स्टिच लाइन को कवर कर देंगे। तो हम देखिए स्टिच कर लेंगे और अटैच कर देंगे पाइपिंग को। थ्री साइड से स्टिच करते हुए हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए जब आप स्टिच करिएगा तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे स्टिच नहीं होने चाहिए। इसको हटाते हुए देखिए इस साइड स्टिच करेंगे तो इस पार्ट को हम ऊपर की साइड में कर लेंगे, जैसे ये पार्ट स्टिच ना हो ऐसे ही हम सेट करते हुए स्टिच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। देखिए ये सारे पार्ट्स हमारे ऐसे ओपन रहेंगे। और अब हमें 8x10 का ये क्विल्टेड पीस लेना है और 4x36 का ये वाला क्विल्टेड पीस लेना है। और इसको हम देखिए ऐसे करेंगे, दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करेंगे, दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में होगा। इसको सेट करते हुए और ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को साथ में लेते हुए हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। इसके बाद हम स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने लेते हुए स्टिच किया और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। अब हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये 8 का साइड है तो 8 की साइड में हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को हम सेंटर के कट से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। अब इस क्विल्टेड पीस को देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और ऐसे पूरा शेप में स्टिच करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। तो हम सेंटर के मार्क से स्टिच करना शुरू करेंगे और इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस को। राउंड में स्टिच करते हुए हमने इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। और अब हमें 8x10 का ये प्लेन पीस लेना है और इसमें 8 की साइड से फोल्ड करके सेंटर का कट लगाना है। देखिए 8 की साइड में हम फोल्ड करेंगे और सेंटर का कट लगा लेंगे। ये हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब जो ये स्टिच लाइन है ये इसमें सेंटर का मार्क है। इसमें हम देखिए सेंटर के मार्क से और स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। इसमें हमने ये पिन अप कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस साइड हम 5 इंच का गैप छोड़ देंगे। देखिए 5 इंच का गैप छोड़ते हुए हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और ऐसे पूरा शेप पे स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। और ये वाला जो क्विल्टेड पीस है इसे हम अंदर की साइड में सेट करते हुए ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। फाइव इंच का गैप छोड़ते हुए हमने पूरा शेप में स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो चारों कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। चारों कॉर्नर्स में हमने कट लगा लिया है। अब देखिए जो ओपन है इस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने पलट के सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, जो ओपन पार्ट है, देखिए प्लेन पीस को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, जो स्टिच लाइन है क्विल्टेड पीस की इसको अंदर की साइड में करते हुए यहाँ पर हम सीधे स्टिच करके इस साइड से हम इसको लॉक कर देंगे। इस साइड से हमने सीधे स्टिच करके ओपन पार्ट को देखिए फ्रेंड्स लॉक कर दिया है। अब ये पार्ट हमारा देखिए नीटली अटैच हो गया है और जो स्टिच लाइन थी वो इस प्लेन पीस के साथ में अंदर ही इसमें कवर हो गई है। और अब देखिए जो 10 का साइड है, देखिए 10 की साइड में हम इस क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों देखिए कॉर्नर्स को मिलाते हुए फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें चौक से सेंटर का मार्क लगाना है। ये हमने चौक से सेंटर का मार्क लगा लिया है इस साइड। और इस साइड जो हमने मार्क लगाया है इसको हमें इस वाले क्विल्टेड पीस में ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे मार्क करना है। ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया है। और अब हमें ये वेल्क्रो लेना है और वेल्क्रो को हम फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें हमने देखिए सेंटर का मार्क लगा लिया है।
अब इस वेलक्रो को इस सेंटर के मार्क से यहाँ पर मिलाते हुए और इस स्टिच लाइन से हाफ इंच ऊपर की साइड में, देखिए जो स्टिच लाइन है इस क्विल्टेड पीस की, इससे हमें हाफ इंच ऊपर की साइड में सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करना है। देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। इस साइड देखिए हमने पिन अप कर लिया है और ऐसे ही इसको सेट करते हुए पहले हम पिन लगा लेंगे क्विल्टेड पीस में। वेलक्रो को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है और ऐसे ही अब हम दूसरी साइड में आएंगे और जैसे हमने इस साइड देखिए पहले सेंटर का मार्क लगाया है तो ऐसे ही इस साइड भी हम इस क्विल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों कॉर्नर्स को हम देखिए बराबर में सेट करेंगे और यहाँ पर भी पहले हम सेंटर का मार्क लगाएंगे। चौक से हमने देखिए सेंटर का मार्क लगाया है और इस साइड हम इसको ओपन करेंगे इस वाले पार्ट को, और ये जो हमने सेंटर का मार्क लगाया है सेंटर के मार्क को हम ऊपर की साइड में ऐसे मार्क कर लेंगे। और इस साइड हम दूसरा वेलक्रो लेंगे, ये 10 इंच का दूसरा वेलक्रो है जिसको हमने ओपन किया था, एक पार्ट हमने स्टिच कर लिया है और ये दूसरा पार्ट है, और इसको भी हम पहले फोल्ड करेंगे, इसमें भी सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस पार्ट को भी फ्रेंड्स देखिए जो स्टिच लाइन है स्टिच लाइन से हाफ इंच ऊपर की साइड में हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस वेलक्रो को भी हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है। अब देखिए हम इसको अंदर की साइड में ऐसे सेट करते हुए ऐसे दोनों साइड से सीधे स्टिच करेंगे वेलक्रो के इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों पार्ट को स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से देखिए हमने सीधे स्टिच करते हुए वेलक्रो को अटैच कर दिया है। देखिए अटैच कर दिया नीटली, दोनों वेलक्रो हमारे साइड अटैच हो गए हैं 10 की साइड में। ये जो स्टिच लाइन है ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, तो हम अब दूसरी साइड में आएंगे। ये 8 का साइड है और 8 की साइड में हम देखिए ऐसे सेट करेंगे इसको। देखिए दोनों कॉर्नर्स को ऐसे लेना है और इस साइड भी हमें इस पार्ट को ऐसे सेट करते हुए सेंटर का मार्क लगाना है। ये देखिए ये हमने इसमें सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस क्विल्टेड पीस को हम ऐसे ओपन करेंगे और इस साइड भी हम इस क्विल्टेड पीस में ये सेंटर का मार्क लगा लेंगे। 8 इंच का ये वेलक्रो लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर का कट लगा लेंगे। ये हमने इसमें सेंटर का कट लगाया। अब इस पार्ट को भी हमें हाफ इंच ऊपर की साइड में इस क्विल्टेड पीस में सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करना है और पिन लगाना है। इस साइड देखिए हमने सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिन अप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेलक्रो है थोड़ा सा इस कॉर्नर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो हम देखिए इस वाले पार्ट को, ये जो वेलक्रो वाला ये वाला पार्ट है इसको हम इसी के ऊपर, ये जो वेलक्रो है इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन अप कर लिया है और ऐसे ही इस साइड भी इस वेलक्रो के ऊपर ये वाला वेलक्रो ऐसे सेट करेंगे और इस साइड भी हम पिन अप कर लेंगे। अब इस वेलक्रो को भी हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे, पहले क्विल्टेड पीस को ओपन कर लेंगे ऐसे और यहाँ पर दोनों साइड से स्टिच करके इस वेलक्रो को हम इसमें अटैच कर देंगे। वेलक्रो के इस पार्ट को भी हमने देखिए यहाँ पर ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है और दोनों कॉर्नर्स पे देखिए फ्रेंड जो ये वाला जो वेलक्रो है इसके ऊपर हमें ये वाला वेलक्रो रख के यहाँ पर स्टिच करके लॉक करना है। तो देखिए इसके ऊपर हमने स्टिच करके ऐसे लॉक करते हुए दोनों साइड से हमने इस वेलक्रो को अटैच कर दिया है। ये देखिए कुछ इस शेप में हमारा यहाँ पर चारों साइड से ये वेलक्रो इसमें अटैच हो गया है। ये देखिए अब हमें इसमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने देखिए ये सेंटर का मार्क लगाया है, इस सेंटर के मार्क को हम इस साइड लाएंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे और ऊपर की साइड में ऐसे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने सेंटर का मार्क लगाया और ऐसे ही इस साइड आएंगे और इस साइड भी हमने देखिए ये सेंटर का मार्क लगाया था इस क्विल्टेड पीस में, और इस क्विल्टेड पीस में हम इसमें भी ऊपर की साइड में ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर भी सेंटर का मार्क लगा लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे और ये मार्क है सेंटर का, ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर भी मार्क लगा लेंगे। तीनों साइड से देखिए इस साइड दोनों साइड से लगाना है और इस साइड हमें 8 की साइड में सेंटर का मार्क लगाना है। ये तीनों पार्ट्स लेने हैं जिसमें हमने पॉकेट्स को स्टिच करके रेडी किया था। अब पहले हम एक पार्ट को लेंगे और इसमें हम पहले फोल्ड करेंगे इस साइड से। देखिए ये 8 का साइड हमारा इस साइड से ओपन था, तो हम इस साइड जहाँ पर ओपन है इस साइड से इसको पलट के इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे।
ये हमने इसमें सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस पार्ट को हमें 8 की साइड में रखना है। देखिए ये 8 का साइड है, तो 8 की साइड में हम इसको ऐसे रखेंगे। जो पॉकेट्स वाला पार्ट है ये अंदर की साइड में होगा और इसको हम देखिए सेंटर के मार्क से सेंटर के कट को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। साइड देखिए हमने पिन अप कर लिया है और ऐसे इस साइड आएंगे। अब इस वाले पार्ट को लेंगे और इसमें हमने देखिए 10 की साइड में हमने ओपन किया था, तो हमने ये स्टिच लाइन है यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर का कट लगा लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसको भी देखिए पॉकेट्स वाले पार्ट को अंदर की साइड में ऐसे करते हुए सेंटर के मार्क से सेंटर के कट को मिलाते हुए यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड में आएंगे। इस साइड जहाँ पर सेंटर का मार्क लगाया है और इसको भी हम पेन की साइड में फोल्ड करके सेंटर का मार्क लगा लेंगे और इसको भी हम देखिए पॉकेट्स वाले पार्ट्स को अंदर की साइड में करते हुए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। देखिए सारे पार्ट्स को हमने पिन से सेट कर दिया है, ऐसे हमने सेट कर दिया है। अब देखिए हम पहले इस पार्ट को ऐसे स्टिच करके लॉक करेंगे और ऐसे ही सारे पार्ट्स को स्टिच करते हुए इस वाले क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। तो हम देखिए स्टिच कर लेंगे और सारे पार्ट्स को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। तीनों क्विल्टेड पीस को हमने देखिए तीनों साइड से स्टिच कर लिया है और इसमें हमने अटैच कर दिया है। और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने ये वाला पार्ट अटैच किया था, देखिए। और 8 की साइड में ये ओपन है, इस साइड हम इसको फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर का कट लगा लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए इस वाले पार्ट को हमें इस साइड अटैच करना है, तो ये जो स्टिच लाइन है ये इसमें सेंटर का मार्क है। इसको हम देखिए सेंटर के मार्क को स्टिच लाइन से ऐसे मिलाएंगे, दोनों को ऐसे मिलाना है और यहाँ पर पिन लगाना है। अब देखिए फ्रेंड इस वाले पार्ट को भी हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इस साइड हम इसको अटैच कर देंगे। इस क्विल्टेड पीस को भी हमने देखिए इस साइड स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब देखिए हमारे चारों पार्ट्स स्टिच हो गए हैं, देखिए स्टिच लाइन हमारी फ्रंट साइड में आ गई है। और अब देखिए ये सारे पार्ट्स को हम अंदर की साइड में करेंगे, इसको अंदर की साइड में कर लेंगे ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे कर लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। और ये जो स्टिच लाइन है चारों साइड से, देखिए जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है, तो हम ये पाइपिंग लेंगे, ये हम 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से रखना शुरू करेंगे। देखिए जहाँ पर ये स्टिच लाइन है यहाँ पर ऐसे रखेंगे और राउंड में स्टिच करते हुए स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। तो हम सेट करते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे और पाइपिंग से स्टिच लाइन को कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए सारी स्टिच लाइन हमारी नीटली पाइपिंग से कवर हो गई है और ये हमारा डिज़ाइनर ज्वेलरी बॉक्स बनके रेडी हो गया है। देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे सारी पॉकेट्स को ऐसे ओपन कर लेंगे और ये सारी पॉकेट्स हमारी देखिए इसमें स्टिच हो गई हैं। यहाँ पर अपना ज्वेलरी का सारा सामान इसमें इस पॉकेट में सारी पॉकेट्स में सेट करते हुए आप रख सकते हैं और इस साइड भी अपना सामान आप रख सकते हैं। देखिए इस पॉकेट को हम ऐसे सेट करेंगे, इसमें ऐसे सेट करेंगे और इसको हम अंदर की साइड में करेंगे और इस वाले पार्ट को हम ऐसे सेट करते हुए ये जो हमने वेलक्रो लगाया है वेलक्रो से हम यहाँ पर इसको ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए ये लॉक हो गया और ऐसे ही इस साइड इस वाले वेलक्रो को हम ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर ऐसे इसको लॉक कर देंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर इस वाले वेलक्रो को ऐसे लॉक कर देंगे और ये हमारा हैंडल हो गया, इससे हम इसको कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बीड्स को स्टिच करके और भी खूबसूरत इसको बना सकते हैं। जो क्विल्ट किया है यहाँ पर कॉर्नर्स में आप बीड्स को स्टिच करके नीडल से यहाँ पर रेडी कर सकती हैं और उससे और भी खूबसूरत लगेगा ये देखने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर ज्वेलरी बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।